हमने आपके साथ समय विस्तार यानी टाइम डायलेशन इसकी चर्चा की और उसके इक्वेशन को हमने डिराइव भी किया, उसका भी हमने निगमन किया लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके। और टाइम डायलेशन यानी समय विस्तार दो फ्रेम्स में दो घटनाओं के बीच के समय को अगर देखें तो उनके बीच का संबंध है, लेकिन किसी एक में वो दोनों घटनाएं एक स्थान पर होना चाहिए। हमने जो सूत्र बनाया था उसमें हमने प्रॉपर टाइम इंटरवल और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल की बात की थी। जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है यानी दो घटनाओं के बीच में लगा हुआ समय, टाइम इंटरवल दो घटनाओं के बीच का टाइम इंटरवल है ये। और इम्प्रॉपर का मतलब है कि ऐसे फ्रेम से देख रहे हैं जिसमें वो दोनों घटनाएं एक ही जगह पर नहीं हो रही हैं, और जिसमें जिस फ्रेम में दोनों घटनाएं एक ही जगह पे हो रही हैं वो प्रॉपर टाइम इंटरवल है। तो हमारा सूत्र था और बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये वी क्या है, जो जिस फ्रेम में दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हैं उस फ्रेम को हम उन घटनाओं के लिए प्रॉपर फ्रेम कह सकते हैं। उस फ्रेम की अपेक्षा इस वाले फ्रेम की जो वेलोसिटी है उसको यहाँ हम वी लिख रहे हैं। तो ये हमने विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा पिछले क्लास में की थी। और अभी हम आज कुछ सवाल इसके पर पहले करना चाहेंगे आगे बढ़ने के पहले। तो हम पहला सवाल ले रहे हैं जिसमें कि हम लिखते हैं कि एक व्यक्ति 180 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती सेमी बुलेट ट्रेन में यात्रा कर रहा है। एक व्यक्ति 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है। अपनी हाथ घड़ी के अनुसार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आने में ठीक 5 घंटे लगते हैं। उसकी हाथ घड़ी के अनुसार एक स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन आने में 5 घंटे लगते हैं। स्टेशन की घड़ियों के अनुसार, ये पहला पार्ट है, स्टेशन की घड़ियों के अनुसार ट्रेन को इन दोनों स्टेशनों के बीच कितना समय लगा।
एक व्यक्ति 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है, उसकी हाथ घड़ी के अनुसार एक स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन आने में ठीक 5 घंटे लगते हैं। अब पहला पार्ट है, स्टेशन की घड़ियों के अनुसार ट्रेन को इन दोनों स्टेशनों के बीच कितना समय लगा। तो यानी अब हम एक ट्रेन का फ्रेम है जिसमें वो व्यक्ति बैठा है, उसके हाथ में एक घड़ी है, वो ट्रेन के फ्रेम की घड़ी हो गई। उस घड़ी से देखने पे एक स्टेशन गुजरा और फिर दूसरा स्टेशन गुजरा, उसके बीच ठीक 5 घंटे लगे। और दूसरा फ्रेम ज़मीन का फ्रेम है जहाँ स्टेशनों पर घड़ियाँ लगी हुई हैं और उन घड़ियों के अनुसार समय देखा जा रहा है। ट्रेन एक स्टेशन से गुजरी, फिर दूसरे स्टेशन से गुजरी, तो इनकी घड़ी में कितना समय था, उनकी घड़ी में कितना समय था, उस फ्रेम में यानी ज़मीन के फ्रेम में इन्हीं दो घटनाओं के बीच, ट्रेन पहले स्टेशन से गुजरी, दूसरे स्टेशन से गुजरी, इन्हीं दोनों घटनाओं के बीच ट्रेन फ्रेम से कितना समय लग रहा है वो दिया हुआ है, ज़मीन के फ्रेम से कितना समय लग रहा है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखें हम, क्या इन दोनों में फ्रेमों में से कोई ऐसा फ्रेम है जिसमें ये दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हैं। तो आप ज़मीन के फ्रेम से देखें, एक स्टेशन यहाँ है, दूसरा स्टेशन कहीं और है। अगर हमने एक्स वाई जेड एक्सेस ज़मीन पर बना रखे हैं तो पहले स्टेशन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसकी जो जगह होगी और दूसरे स्टेशन के जो होंगे वो अलग होगी, और इसलिए ये दोनों घटनाएं एक ही जगह पर नहीं हो रही हैं। ये जो टाइम हम नाप रहे हैं ये इम्प्रॉपर टाइम होगा। ज़मीन के फ्रेम में अगर नापेंगे, स्टेशन की घड़ियों से अगर नापेंगे, तो वो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा। और ट्रेन के फ्रेम में देखें, व्यक्ति जब अपनी हाथ घड़ी से इस्तेमाल कर रहा है समय नापने के लिए, अपनी हाथ घड़ी को इस्तेमाल कर रहा है, ट्रेन के फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा है, ट्रेन के फ्रेम में यदि एक्स वाई जेड एक्सिस बने हुए हैं और मनुष्य जो है वो बैठा है, मान लो ओरिजिन पर बैठा है, तो उसी ओरिजिन से पहला स्टेशन गुजरा और उसी ओरिजिन से दूसरा स्टेशन गुजरा, तो एक ही स्थान पर दोनों घटनाएं हुई, इसलिए ट्रेन के फ्रेम में जो टाइम इंटरवल है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल है। तो इस सूत्र का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है जहाँ ट्रेन के फ्रेम में जहाँ दोनों घटनाएं एक ही जगह पे हो रही हैं वो 5 घंटे है, और ज़मीन के फ्रेम से हमें पूछा जा रहा है अर्थात इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल हमें पूछा जा रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर जब हम बनाएंगे तो वो जो समय होगा, कितना समय लगा ज़मीन के फ्रेम में स्टेशन की घड़ियों के अनुसार, वो समय होगा 5 घंटे और बटा स्क्वायर रूट 1 - v² / c². और इसका आप कैलकुलेशन करें, v कितना है, ये ज़मीन वाला फ्रेम ये ट्रेन वाले फ्रेम की अपेक्षा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये फ्रेम चल रहा है। तो यानी v का मतलब है v 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप बदलेंगे 180 × 1000 इतने मीटर, और प्रति घंटा यानी 3600 सेकंड, तो ये बनेगा 20 से, तो आप 20 पहले काट लें और 18 से अगर काटेंगे तो ये यहाँ पर 10 और यहाँ पे 2 अर्थात 5, 50 मीटर प्रति सेकंड, और इसलिए स्क्वायर रूट 1 - v² / c² को निकालेंगे, ये बनेगा 1 - v की जगह पर 50 मीटर प्रति सेकंड और c की जगह पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसका स्क्वायर और इतने का वर्गमूल 1 - v / c, उसका स्क्वायर है ये v / c और उसका स्क्वायर है ये,
तो ये मीटर प्रति सेकंड को आप मीटर प्रति सेकंड से काट डालें, अर्थात स्क्वायर रूट करें, वन माइनस ये 5/3 लिखें यहाँ पर, गुना ये शून्य है, इसको अगर आप इस 10 से ऊपर नीचे भाग कर दें तो 10^7 हो जाएगा, इसको ऊपर में ले जाकर लिखें तो 10^-7 और उसका स्क्वायर, अर्थात 1-25/9 और इंटू 10^-14 और इतने का स्क्वायर रूट, अर्थात इतने का पावर 1/2 और हमें चाहिए 1/5 आवर्स को हमें गुणा करना है 1/√1-v²/c² से, तो हम 1/√1-v²/c² इसी का मान लिखें, तो यानी इसका हमें रिवर्स करना है, इन्वर्स करना है, 1/1 करना है, इस पावर हाफ की जगह हम पावर माइनस हाफ कर देंगे तो वो काम हो जाएगा, अर्थात ये हुआ 1-25/9 और गुना 10^-14 और उस पे पावर माइनस हाफ, यहाँ पे पावर प्लस हाफ है, जब हम उसको उल्टा करेंगे 1/1 करेंगे तो ये पावर माइनस हाफ। अब अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, इसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, 1+x/n ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो और x जो है वो 1 से बहुत छोटा हो, तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 1+n(x), इस n से यहाँ गुणा कर दें आप और ये पावर लगाने का काम ऑलमोस्ट हो जाता है अगर ये x बहुत छोटा हो 1 से, तो हमारे यहाँ ये तो बहुत ही छोटा है 1 से, इसलिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं और ये जो पावर है उस पावर को यहाँ गुणा कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा 1/√1-v²/c² ये बराबर हुआ ये 1 माइनस, और इस माइनस हाफ से यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस 1/2 25/9 10^-14 ऐसा, इतना है ये। और डेल्टा टी निकालें, डेल्टा टी बराबर 5 घंटे और 5 घंटे को मुझे गुना करना है 1/√1-v²/c² से, यानी इससे गुना करना है तो 1+25/18 ये 25/18 और गुना 10^-14, तो इसको आप गुना करेंगे तो ये 5 घंटा बना और उसके बाद प्लस करेंगे और यहाँ देखें आप 25 और गुना 5 125/18 और गुना 10^-14 और घंटे में है, 1 घंटे को आप 3600 सेकंड लिख सकते हैं, 3600 सेकंड कर सकते हैं आप, ये 3600 सेकंड हो गया 1 घंटे की जगह पर, 5 × 25/18 आवर्स को भी बदल दिया और गुना 10^-14 इतना बना, अर्थात 5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा है ये, और कितना ज़्यादा है इसको भी आप यहाँ पर थोड़ा हल कर सकते हैं, ये 200 बनेगा यहाँ पे और इसको पूरे को हल कर लीजिए, ये 250 दो शून्य यहाँ पर हैं और इंटू 10^-14 सेकेंड, इसको आप लिख सकते हैं 5 आवर प्लस, और 2.5 लिखना हम पसंद करेंगे तो यहाँ पे 2.5 लिखेंगे और इंटू यहाँ दशमलव लगाया हमने तो 1, 2, 3, 4 चार जगह हम इधर बाएं खिसके हैं तो यहाँ भी हमें 4 से इसको 10^4 से गुणा करना होगा, 10^-10 सेकेंड, तो यानी ट्रेन के फ्रेम में
ये जो दो घटनाएं हुई, एक स्टेशन गया फिर दूसरा स्टेशन गया, ये दो घटनाएं हुई, उनके बीच 5 घंटे का समय लगा। लेकिन जमीन के फ्रेम में ट्रेन मेरी पहले स्टेशन से गुजरी और बाद में ट्रेन दूसरे स्टेशन से गुजरी, इनके बीच में जो समय लगा वो 5 घंटे से इतना अधिक लगा। लेकिन कितना अधिक लगा, ये तो 10^-10 सेकेंड है, यहाँ पे 2.5 × 10^-10 सेकेंड है, ये तो नापना हमारे लिए बिल्कुल असंभव जैसा है। ये 5 घंटे में इतने का फ़र्क हम कैसे नापेंगे। इसीलिए हमारी रोज़ाना की जो ज़िंदगी में वेलोसिटीज़ आती हैं, जैसे ये काफ़ी फास्ट ट्रेन है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती हुई, यहाँ भी हमें रिलेटिविटी का असर या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का असर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सही है, उसका असर बिल्कुल ही नगण्य है, बिल्कुल ही नगण्य, हम नाप ही नहीं पाएंगे इतना अंतर। और इसलिए हम अपने दैनिक व्यवहार में अभी भी बिना रिलेटिविटी के, बिना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अपने सारे काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। परंतु कई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं आजकल जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी हुई है, जिसमें हम ऐसे पार्टिकल्स का विचार करते हैं जो कि प्रकाश के वेग से काफ़ी करीब के वेग से चलते हैं, इस तरह के जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का नाम सुना होगा आपने, तो वहाँ जो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं वो बहुत तेज़ तेज़ वेलोसिटीज से चलते हैं, और वहाँ हमें रिलेटिविटी का असर लेना ही लेना है, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं। इस का एक दूसरा पार्ट भी है, वो भी हम देखें, और इसका दूसरा पार्ट है कि ज़मीन के फ्रेम में ये जो दो स्टेशन हैं, स्टेशनों के बीच की दूरी, कितनी होगी। ज़मीन के फ्रेम से जब हम बात करेंगे तो हमारे ज़मीन, एक स्टेशन यहाँ है, दूसरा स्टेशन यहाँ है, उसके बीच में कितनी दूरी है। तो एक ट्रेन आ रही है, हमें पता है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आ रही है, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चलने में कितना समय लगती है वो भी हमें पता है, 5 × 10^-10 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी भी पता है और टाइम भी पता है, तो कितनी दूर चलेगी वो ट्रेन इतनी दूर इतने समय के अंदर में, वो भी हम लिख सकते हैं। वो दूरी होगी ये वेलोसिटी इनटू इतना समय। तो दूरी बराबर वेग गुना समय, वेग है 180 किलोमीटर प्रति घंटा और समय जो लगा है उस ट्रेन को यहाँ से वहाँ तक जाने में जो समय लगा है वो है 5 × 10^-10 सेकेंड, इतना। तो इसको अगर खोल दें तो देखें किलोमीटर प्रति घंटा से घंटे को आप करेंगे, ये ख़त्म होकर किलोमीटर में आएगा, 180 × 5 = 900 किलोमीटर और प्लस ये गुना ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा जो हमें यहाँ लिखना है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, और इनटू 2.5, ये 180 और इसको इससे गुना कर रहे हैं हम, 2.5 × 10^-10 सेकेंड, अब इस सेकेंड को आप काट सकते हैं।
और इसको हल करें, ये 180 से इसको करेंगे तो 20 यहाँ पर 900 किलोमीटर प्लस ये देखें ये 2.5 डिवाइडेड बाय 20 है तो इसको हम 1.25 यहाँ लिख ले पहले और ये इस 10 से और भाग लगा दें यहाँ पे तो ये -10 यहाँ पर और ये 0 मिल करके -11 यहाँ पर किलोमीटर 2.5 डिवाइडेड बाय 20 तो इस 10 से मैंने पहले यहाँ भाग लगा दिया 10 पे पावर -11 और 2 से यहाँ भाग लगा दिया 1.25 इतने किलोमीटर 900 किलोमीटर में 1.25 इंटू 10 टू द पावर -11 किलोमीटर का और ऐड करना होगा आपको। परंतु फिर से वही बात देखें, ये इतना छोटा है, अगर आप इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -8 बनेगा, आप मिलीमीटर में बदलेंगे तो -5 बनेगा, यानी एक मिलीमीटर का भी एक लाखवां भाग उतना परिवर्तन होगा 900 किलोमीटर के अंदर में, जो हम किसी भी तरह से नापने में सक्षम नहीं होंगे इस समय में। तो यानी रिलेटिविटी का असर बहुत कम होता है अगर हमारी वेलोसिटीज़ लाइट की वेलोसिटी की अपेक्षा काफ़ी कम हो। एक और सवाल देखते हैं समय विस्तार से संबंधित। एक यात्री फाइव बाई 13 सी इतने वेग से जाते अंतरिक्ष यान में है, यात्री के स्थान पर आप कोई यंत्र भी सोच सकते हैं, ये हमने काफ़ी ज़्यादा वेग लिया हुआ है तो, परंतु टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है कोई आश्चर्य नहीं है कि हम इतने वेग से जाने वाले अंतरिक्ष यान बना ले। वह प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन का उत्सव मनाता है, वह प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन का उत्सव मनाता है, धरती पर स्थित उसका मित्र भी प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन का उत्सव मनाता है। यात्री के अनुसार मित्र अपना जन्मदिन का उत्सव कितने समय अंतराल पर मनाता है,
ये इसका पहला पार्ट है, पहले हम इसको हल करेंगे। यात्री के अनुसार मित्र अपना जन्मदिन उत्सव कितने समय पर, कितने समय अंतराल पर मनाता है। तो क्या सिचुएशन है, दो फ्रेम्स हैं, एक धरती का फ्रेम है, उस पर एक मित्र है, वो मित्र प्रति वर्ष अपना जन्मदिन का उत्सव मनाता है और स्वाभाविक है वो अपनी घड़ियों का इस्तेमाल करता है, यानी धरती के फ्रेम की घड़ियों का इस्तेमाल करता है और अपना जन्मदिन मनाता है, एक साल के बाद फिर से अपना जन्मदिन मनाता है। तो ये दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हो रही हैं, धरती के फ्रेम में ये दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हो रही हैं और इसलिए ये जो टाइम इंटरवल है, एक वर्ष धरती के फ्रेम में, धरती की घड़ियों के अनुसार, धरती पर बैठा हुआ मित्र एक हर साल अपना जन्मदिन मनाता है, तो एक जन्मदिन मनाया फिर अगला जन्मदिन मनाया, उसके बीच का जो समय अंतराल है, टाइम इंटरवल है, वो प्रॉपर टाइम इंटरवल है। और इन्हीं दोनों घटनाओं को, मित्र ने अपना जन्मदिन मनाया और फिर से अगले साल अपना जन्मदिन मनाया, इन्हीं दोनों घटनाओं को यान में बैठा यात्री देखता है, अपनी घड़ियों के अनुसार पता करता है कि कितने समय अंतराल में ये दोनों घटनाएं बनी। तो यानी जो यात्री समय अंतराल नापेगा वो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा और जो ये धरती का मित्र है जो अपनी घड़ियों के अनुसार एक साल में मनाता है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा। तो हमें प्रॉपर टाइम इंटरवल पता है एक वर्ष और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल हमें पता करना है। तो हम अपने उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, समय विस्तार का जो सूत्र है, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल बराबर प्रॉपर टाइम इंटरवल और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको पहले देख लें, स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अर्थात स्क्वायर रूट वन माइनस वी वी बाई सी। वी बाई सी देखें, ये वी है, यात्री इतने वेग से चल रहा है जिस फ्रेम से हम ये निकालना चाह रहे हैं, और इसका बटा सी करें तो 5/13 बचता है अर्थात ये 5/13 का स्क्वायर है। ये और इसका मान आप निकालें, ये होगा 12/13। इसको आप हल करें, 12/13 बनेगा और इसलिए जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल हम निकाल रहे थे वो बराबर होगा प्रॉपर टाइम इंटरवल यानी एक साल डिवाइडेड बाई इतना अर्थात 12/13 अर्थात 13/12 वर्ष यानी एक वर्ष से 1/12 वर्ष और यानी एक महीना और लगभग 13 महीने पे वो अपना जन्मदिन मनाता है, ऐसा यात्री अपनी घड़ियों के अनुसार नापेगा। धरती पर का उसका मित्र 13 महीनों पर अपना जन्मदिन मनाता है, ऐसा वो यात्री नापेगा, परंतु धरती की घड़ियों के अनुसार वो 12 महीने पर ही, एक वर्ष पर ही अपना जन्मदिन मनाता है। अब इसका बी पार्ट देखें, मित्र के अनुसार यात्री कितने समय अंतराल पर अपना जन्मदिन
उत्सव मनाता है। मित्र के अनुसार, जो धरती पर मित्र है उसके अनुसार, यानी उसकी घड़ियों के अनुसार धरती के फ्रेम में, यात्री कितने समय अंतराल पर अपना जन्मदिन उत्सव मनाता है। तो अब जो दो घटनाएं हैं जिनके बीच का हम समय अंतराल ढूंढ रहे हैं, वो है कि यात्री कितने समय अंतराल पर अपना जन्मदिन मनाता है, यानी यात्री ने एक उत्सव मनाया और उसके बाद अगला उत्सव फिर मनाया, उसके बीच कितना अंतराल गया। और ये कौन ढूंढ रहा है, कौन नाप रहा है इसको? मित्र, धरती के फ्रेम से। तो ये दो घटनाएं अगर हम उस अंतरिक्ष यान के फ्रेम में देखें तो एक ही जगह पर हुई है। यात्री ने अपना जन्मदिन मनाया और फिर से अपना जन्मदिन उसी अंतरिक्ष यान के अंदर में मनाया। तो अंतरिक्ष यान के फ्रेम से अगर हम देखते हैं तो वो प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा, क्योंकि दोनों उत्सव एक ही जगह पर मनाए जा रहे हैं। यान में एक्स वाई जेड एक्सिस बना लो तो वहीं पर मनाए जा रहे हैं, और इसलिए जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है जो यात्री नाप रहा है, क्योंकि ये यात्री अपना जन्मदिन मना रहा है पहला और दूसरा एक ही स्थान पर, वो प्रॉपर टाइम इंटरवल एक वर्ष है। वो अपनी घड़ियों से एक वर्ष पे अपना जन्मदिन मनाता है। और हम जो ढूंढ रहे हैं धरती के फ्रेम से, जब पहला जन्मदिन मना तो अंतरिक्षयान कहीं था, जब दूसरा जन्मदिन मना यात्री का तो कहीं और था, तो वो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है और वही हम ढूंढ रहे हैं। और आप देखें, यही उसका सॉल्यूशन है, हमें इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल चाहिए और प्रॉपर टाइम इंटरवल एक वर्ष है। इस बार यात्री के द्वारा नापा हुआ समय जो है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल है, क्योंकि यात्री के जन्मदिन की बात हो रही है, पहला जन्मदिन और दूसरा जन्मदिन जो एक ही स्थान पर उसी अंतरिक्ष यान में मन रहा है। और इसलिए, और स्पीड तो वही है, जो धरती है वो यान की अपेक्षा, यान है वो धरती की अपेक्षा, इतने ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, और इसलिए ये सारा गणना यही रहेगी। और इस बी पार्ट का भी उत्तर 13/12 वर्ष ही आएगा, यानी 13 महीने ही आएगा। तो अंतरिक्ष यान की घड़ियों के अनुसार जो धरती का व्यक्ति है वो एक एक साल पर नहीं मना करके 13-13 महीने पे मना रहा है, और जो धरती का व्यक्ति है उसके अनुसार जो अंतरिक्ष आदमी यात्री है वो अपना जन्मदिन 12-12 महीने पर नहीं मना करके 13-13 महीने पर मना रहा है। तो यानी इसकी अपेक्षा उसकी घड़ी स्लो चल रही है, उसकी अपेक्षा इसकी घड़ी स्लो चल रही है। सभी फ्रेम एक समान है, सभी इनर्शियल फ्रेम एक समान है। चलते हुई घड़ियाँ स्लो होती हैं, जो चलायमान होती हैं, जो स्थानांतरित होती रहती हैं, किसी वेलोसिटी से पूरी घड़ी चलती रहती है, वो घड़ी स्लो होती है, उसका जो घड़ी चलने का मोशन है वो स्लो होता है। और ये रूल एस के लिए भी लागू है, एस प्राइम के लिए भी लागू है, इसका यहाँ पे ये उदाहरण है।